तो सारे भैया ने राम राम। मैं अपने जिम में पहुंच गया हूँ। एक अपना जो वार्म अप अपना वो शुरू कर दिया है, तो आप वेट उठाने से पहले थोड़ा वार्म अप करांगे। जिस भी बॉडी पार्ट का अपन करना है ना, उसका आप पहले वार्म अप करांगे। तो आज अपना लेग का वर्कआउट है, तो आप लेग का थोड़ा वार्म अप करांगे। इसका वार्म अप आप चाहे तो ट्रेडमिल पर भी कर सका। हाँ, अरे ना, ट्रेडमिल है और कुछ है तो आप साइकिलिंग करके भी कर सका। हाँ, बस अपन है कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए और बॉडी गर्म हो जाए, तो अपन है 5-1 मिनट जो है वार्म अप करना पड़ेगा। तो ये भी इसमें मैं अपनी साइकिल चलाकर अपना वार्म अप करना लग रहा हूँ। उसके बाद में जो है अपनी जो वेट ट्रेनिंग कराएंगे। वार्म अप हो गया पूरा, पहली एक्सरसाइज रहेगी वो अपनी स्क्वाट रहेगी। तो ये जो पहली एक्सरसाइज अपन करनी स्क्वाट करांगे। स्क्वाट के इसके अपन 4 सेट करने हैं, 4 सेट करांगे अपन इसके। ये भी देखो, इसमें दोनों पाए के बीच में गैप है थोड़ा। हाई इतना मेंटेन रखो आप गैप ने। पहला सेट में मैं इसके 12 रैप करूंगा, फिर 10 करूंगा, फिर 10 करूंगा, फिर 8 8 करूंगा। तो अगर थारा बस के हो तो इसके 5 सेट कर सको हो, ना तो इसके 4 सेट बहुत है, काफी है, 4 सेट कर लो। अगर तुम नए नए हो, अगर थोड़ा हा इंटरमीडिएट हो, तो तुम इसके 5 सेट भी कर सको। इसमें अपनी प्रॉपर जो बैक है, कमर है, उसने जमा सीधी रखो, स्ट्रेट रखो, बैंड करियो मत ना। और जद भी आपने जो वेट उठाना हुआ ना, तो रोड के कत्ती सीध मजाक उठाओ। कई के कर है आगे झुक के वेट उठाने लग जाए, झुक के नहीं उठाना चाहिए कदे भी। उसमें क्या रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर पड़ेगा, तो बिल्कुल रोड के नीचे आकर ना अपना वेट उठाना चाहिए। और जो फॉर्म है उसके ऊपर अपना वर्क करना चाहिए पूरा। वेट चाहे तुम थोड़ा लगा लो, पर आपकी जो फॉर्म है ना वो कति बढ़िया होनी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्म गलत है तो वेट तुम फालतू भी लगाओगे ना, तो कोई फायदा कौन है उस चीज का, उससे क्या है इंजरी होगी। ये जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वो अपनी रहेगी लेग प्रेस। तो लेग प्रेस के भी आप 5 सेट करांगे, 10 10 10 और 8 8 रैप जो रहेंगे, रैप रेंज इनके घने फालतू रैप आप करा को ना, क्योंकि अपन मसल मास बढ़ाना, गेनिंग करनी है, कटिंग नहीं कर रहे आप गेनिंग कर रहे हैं। अपने ठीक ठाक अंदाज का वेट कर लो। उसके 5 सेट हुए, 5 6 जो आपा जो डम्बल आर डील है वो करेंगे आपा, जो हैमस्ट्रिंग खाता करेगा आपा। इसके आपा 4 सेट करेंगे, 4 सेट 10 10 के जो रैप रहेंगे, इन 4 सेट में 10 10 रैप करेंगे आपा। प्रॉपर नीचे जाओ, पूरा झुको, और जो हैमस्ट्रिंग है उन्हें दम सूत्री डाला पूरी खींचो। नीचे जाते टाइम तो वह स्ट्रेच होगी, ऊपर जाते टाइम उन्हें स्क्वीज करो। अपनी कमर ने बिल्कुल सीधी रखो, कमर बेंड मत करियो। इसमें थोड़े बहुत ग्लूट्स इंक्लूड होंगे थारे, और जो थारी हैमस्ट्रिंग है सारा वेट उस पर जान दो, ग्लूट्स पर, हैमस्ट्रिंग पर। एक चीज का कति ध्यान रखियो कि जो घुटने हैं ये कति सीधे नहीं रखने तुमने। जब भी नीचे जाते टाइम गणखरे की गलती करा, इन कति सीधे रखे, सीधे मत रखो, हल्के से इन बैंड रखो, थोड़े से बैंड करके ना फिर झुको। जो करीब तुम वीडियो में देखो तो उस हिसाब से थोड़े इन बैंड रखो, कति सीधे मत रखो। इस तरह अगली जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी अपनी वह रहेगी डम्बल रिवर्स लंजेज। इसमें क्या करना, अपन अपने अंदाज का जो वेट है वो लेना है, और दोनों पैरों में एक चीज ध्यान रख, 90 का एंगल जितना एक हिसाब से लगा लेना कि बता रहे दोनों पैरों में जो घुटने हैं उड़े के 90 का एंगल मिले, और प्रॉपर थारे जो थाई के ऊपर जो रहा कमर सीधी रखो, कमर ने बैठ रखियो ना, जितना हो सके बॉडी ने अपने सीधी रखने की कोशिश करियो। उसके 4 सेट करने हैं, 10 10 10 10 उसके। पांचवी एक्सरसाइज अपनी लेग कर्ल। कई मैया मशीन हो अगर उल्टे लेट कर करने की, कई मैया सीधी हो तो कोई फर्क ना पड़ता, तो उल्टे लेट के कर लो चाहे सीधे बैठ के कर लो, पर थारा फोकस हैमस्ट्रिंग के ऊपर होना चाहिए। प्रॉपर जो वेट है तुम उसने हैमस्ट्रिंग पे खींचो, पाछे ने घुटने पर जोर कम डालो और हैमस्ट्रिंग तो देख पूरा पीछे खींचो। इसके भी 4 सेट करने हैं, हर एक सेट में 10 10 10 रैप रखो। गण करके कर रहा 15 15 20 20 रैप मारने की कोशिश कर, मैंने इतने मार दी। आप कटिंग ना करते, आपने गेनिंग करनी है, मसल जो है प्रॉपर तोड़नी है। छठी एक्सरसाइज की अपनी काफ की करांगे। काफ छोटी मसल है, तो इसमें क्या है ज्यादा वेट आया भी तो उठाया ना जा, तो आप क्या करेंगे इसके रैप बढ़ा देंगे। इसके 4 सेट रखेंगे, ये हर एक सेट में आप 15 रैप लेवांगे। काफ में कोई भी स्मिथ मशीन होगी उस पर तुम नीचे एक स्टेपर लगा लो, या भाई कोई भी प्लेट लगा लो, उसके ऊपर आप खड़े होकर ना अपने एक करो
कई जमा मगे है मशीन होया करे काफ की भी, तो मशीन के ऊपर भी कर सको। तो इसमें क्या करना, आप प्रॉपर जो फोकस रहेगा ना वो काफ के ऊपर रहेगा। इसके भी चार सेट करो, 15-15 के रैप करो, थोड़ी सी ज्यादा फोकस देना पड़ेगा क्योंकि छोटी मसल है और ग्रोथ कम हो इसकी। तो यो था अपना आज का लेग का वर्कआउट। सबसे लास्ट में एब्स, ये आप गेनिंग पर हाँ तो एब्स ने थोड़ी ना भूल जावा भाई, एब्स भी मेंटेन रखांगे। तो इन एब्स ने मेंटेन रखने ती आप क्या करांगे, क्रंचीज करांगे। 5 सेट क्रंचीज के करूंगा ये मैं, 30-30 रैप के। तो ये क्रंचीज के 5 सेट है मेरे, तो ये आप लोग भी करियो। कब बाद में सब लास्ट में आप 20-25 मिनट अपन ट्रेडमिल चलानी है। इसमें वह ट्रेडमिल की वीडियो मतलब बनाई को ना, क्योंकि उस टाइम पर क्राउड ज्यादा था जिम में। तो तब भाई के करियो 20-25 मिनट ट्रेडमिल चलाइए, उस तक ये रहेगा थारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, और जो एक्स्ट्रा बैड फैट आओगे ना थारे एब्स के ऊपर या भाई, तो उसने मतलब चढ़न नहीं देगा, वह साथ साथ में बर्न होती रहेगी। प्योर जो थारा ना लीन मसल मास ही थारी बॉडी गेन करेगी, फालतू फैट को ना हो, बढ़िया गेन होगा, बढ़िया मसल मास गेन होगा, साइज गेन होगा, ठीक है। तो लास्ट में कार्डियो कर लियो। यो था अपना आज का कंप्लीट वर्कआउट। कोई भी अगर डाउट लग गया तुमने, कोई भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछियो, पूछ सको। डाइट के बारे में पूछना, वर्कआउट में कितने कोई दिक्कत लग गया है, और मेरे तक कोई सजेशन देना तो भी तुम भाई कमेंट में जरूर बताइयो मेरे दी।